चक्रवाती महातूफान बिपरजॉय तेजी से हमारी ओर बढ़ रहा है और बीते 24 घंटे में इसने विकराल रूप धर लिया है और ये जल्द ही गुजरात के तट से टकराएगा। बिपरजॉय किन इलाकों में तबाही मचाएगा और ये कितने दिनों तक गुजरात समेत दूसरे इलाकों में रहेगा और हमने कैसे इसका नामकरण किया है, ऐसे 5 सवालों के जल्दी से आपको जवाब देते हैं। पहला सवाल, बिपरजॉय कब टकराएगा और इसका रूट क्या होगा? 6 जून को अरब सागर में उठा ये चक्रवात अपना रास्ता कराची से बदलकर गुजरात की तरफ रुख कर लिया है और 14 जून को ये गुजरात के तट से टकराएगा। 150 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलेंगी और 16 जून तक ये धीमा पड़ जाएगा। दूसरा सवाल, बिपरजॉय कितनी तबाही मचाने वाला है? आशंका है कि हवाएं 150 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी, इससे छप्पर झोपड़ी वाले घर पूरी तरह तबाह हो जाएंगे, कच्चे घरों को भारी डैमेज होगा, बिजली के खंभे और टावर्स के झुक जाने की आशंका है या उखड़ भी सकते हैं, कच्ची और पक्की सड़कें डैमेज हो जाएगी, रेलवे बिजली और सिग्नल बाधित होंगे, खड़ी फसलें पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगी, आम जैसे फलदार पेड़ झुक जाएंगे। तीसरा सवाल, इस महातूफान का नामकरण किसने किया है? भारत और इसके आसपास के क्षेत्र में आने वाले तूफान के नामकरण को लेकर 13 देशों की कमेटी बनी हुई है। A to Z अल्फाबेट के आधार पर इनका नामकरण किया जाता है। इस तूफान का नाम बांग्लादेश ने रखा है। बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आपदा। चौथा सवाल, किन किन राज्यों में इसका असर दिखेगा? इस महातूफान का असर नॉर्थ गुजरात और साउथ राजस्थान में देखने को मिलेगा। तेज हवाएं और तेज बारिश देखने को मिलेगी। यहां तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कुछ असर देखने को मिलेगा। गोवा महाराष्ट्र में भी बारिश होगी। केरल और कर्नाटक में अगले 3 दिनों तक बारिश होगी। नॉर्थ इलाके यानी कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में भी बारिश का अनुमान है, जबकि पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अत्यधिक बारिश की आशंका है। पांचवा सवाल, बिपरजॉय से निपटने के लिए कितनी तैयारियां हैं? अभी गुजरात में SDRF की 10 टीम और NDRF की 12 टीमें तैनात की गई है। 3 टीमें स्टैंडबाई पर है। मछुआरों को समुद्र में जाने से रोक दिया गया है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इसे लेकर बैठक कर चुके हैं। गुजरात के तटों में 5 से 10 किलोमीटर के इलाके में रहने वाले लोगों को निकाला जा चुका है। 6 जिलों में शेल्टर होम बनाए गए हैं।